श्रीमती रोहिणी आचार्य ये सर्वविदित है कि 7 वर्षों से अधिक से विदेश में रहती हैं, लगातार रहती हैं विदेश में, ये नहीं कि आती जाती रहती हैं मगर विदेश में रहती हैं। उनका पासपोर्ट का स्टेटस क्या है इस बारे में और अपने घर के बारे में, अपना रेजिडेंशियल हाउस के बारे में उन्होंने कोई जानकारी उसमें नहीं दी थी, सारे तथ्यों को छिपाया था। तो इस वजह से हम लोगों ने जो अपना ऑब्जेक्शन दिया था, प्रोटेस्ट दिया था, विरोध दायर किया था, उसमें हमने लिखा था कि इसकी जांच कराई जाए कि वो आज भारत की नागरिक हैं या नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 102 में स्पष्टतया ये प्रावधान किया हुआ है कि जो व्यक्ति जिसकी निष्ठा भारत के साथ नहीं है या जो भारत के नागरिक होने के बाद उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। सारण लोकसभा क्षेत्र के राजद की प्रत्याशी श्रीमती रोहिणी आचार्य का नामांकन वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने, मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने स्वीकृत कर लिया, जबकि उनके नामांकन में बहुत सारी खामियां थी जिसको लेकर के श्री राजीव प्रताप रूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी ओर से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि उनका नामांकन स्वीकृत होने लायक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे उस विरोध को खारिज किया गया वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हम लोगों ने रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल की है। आपको बताऊं कि आम तौर पर रिट याचिका चुनाव संबंधी मामलों में कम दाखिल होती है, लेकिन ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि हमने ये रिट याचिका इसलिए दाखिल की है कि श्रीमती रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको एक जाँच करनी थी। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36(2) के अंतर्गत उनके अंदर ये अधिकार नहीं थे और उनका दायित्व तो है कि अगर कोई भी नामांकन किसी प्रत्याशी के द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसकी वो जांच करें, एक ब्रीफ समरी जांच करने के बाद अपना निर्णय लें। और उसमें हम लोगों ने श्रीमती रोहिणी आचार्य के खिलाफ ये कहा था कि श्रीमती रोहिणी आचार्य ये सर्वविदित है कि 7 वर्षों से अधिक से विदेश में रहती हैं, लगातार रहती हैं विदेश में, ये नहीं कि आती जाती रहती हैं मगर विदेश में रहती हैं। उनका पासपोर्ट का स्टेटस क्या है इस बारे में और अपने घर के बारे में, अपना रेजिडेंशियल हाउस के बारे में उन्होंने कोई जानकारी उसमें नहीं दी थी, सारे तथ्यों को छिपाया था। तो इस वजह से हम लोगों ने जो अपना ऑब्जेक्शन दिया था, प्रोटेस्ट दिया था, विरोध दायर किया था, उसमें हमने लिखा था कि इसकी जांच कराई जाए कि वो आज भारत की नागरिक हैं या नहीं हैं। अगर वो भारत की नागरिक नहीं हैं या भारत की नागरिक होने के बावजूद भी उन्होंने किसी विदेश, किसी अन्य राष्ट्र के लिए अपना अपनी निष्ठा रख दी है तो जब तक इसकी जांच नहीं होती है तब तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान दिलाऊँगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 102 में स्पष्टतया ये प्रावधान किया हुआ है कि जो व्यक्ति जिसकी निष्ठा भारत के साथ नहीं है या जो भारत के नागरिक होने के बाद उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। ये एक बड़ा ही बेसिक प्रश्न था जो कि उनकी योग्यता और अयोग्यता को निर्धारित करता, इसलिए उसको हमने चाहा था कि चुनाव अधिकारी उस पर गहन जाँच करके अपना निर्णय दें, लेकिन उन्होंने शाम को 4 बजे ही अपना निर्णय सुना दिया और उनके नामांकन को स्वीकृत कर दिया है और इसलिए वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हैं। इसकी जांच कराने के लिए हमने माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपनी रिट की याचिका दायर की है और उसकी सुनवाई के लिए हम लोगों ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि आज से कल तक में उसकी सुनवाई कर ली जाए या विशेष सुनवाई कर ली जाए, और अगर सुनवाई होती है तो श्रीमती रोहिणी आचार्य का चुनाव रद्द हो सकता है, उनका नामांकन खारिज हो सकता है, क्योंकि उसमें ये उनकी योग्यता और अयोग्यता के बारे में निर्णय लिया जाना है। इसके अलावा भी उन्होंने जो अपना शपथ पत्र दाखिल किया था उनके शपथ पत्र में बहुत सारा झूठ भरा हुआ है, विशेष करके उनकी आय का झूठ। उन्होंने अपने आय को पूरा छिपाया है, अपना घर के बारे में, अपनी अचल संपत्ति के बारे में उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को छिपा लिया है, जो तथ्य बिल्कुल उनकी अयोग्यता साबित करेगा या धारा 123(2) के तहत
जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में करप्ट प्रैक्टिस के दायरे में आता है, तो इन सब कारणों से उनकी योग्यता या अयोग्यता पर निर्णय लेना था जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं लिया, और इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की है कि वो अयोग्य पाई जाती हैं और उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। अगर चूँकि पटना में हाईकोर्ट में अवकाश हो रहा है आज होने के बाद, तो हमने विशेष सुनवाई के लिए भी आग्रह किया है, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो 20 तारीख को चुनाव है, उसके बाद भी उनकी सदस्य अगर वो जीत भी जाएंगी तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि अगर नामांकन रद्द हो जाएगा तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। ये तो जीतने की बात है, लेकिन ऐसे में जो स्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी मतदाता के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि क्या मैं किसी ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट दूं जो प्रत्याशी का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि अगर उनका नामांकन ही रद्द हो जाता है तो पुनः चुनाव होगा। इसलिए अब ये पटना हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर होता है कि कब सुनवाई होती है और वो कब अपना निर्णय देता है, लेकिन आज की तारीख में श्रीमती रोहिणी आचार्य, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने तथ्य को छिपाने की वजह से मतदाताओं के बीच में एक भ्रम की स्थिति ला दी है। ऐसा है कि हम लोगों ने जब उनके नामांकन के समय में विरोध अपना दर्ज किया था और हमने कहा था कि इसकी समरी आप जांच करें, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उस समय अपना निर्णय भी नहीं सुनाया। तो हमने फौरन, हमारी एक टीम छपरा में थी और दूसरी टीम पटना में थी, जिसमें कि हमारे बिहार के भाजपा के ही प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी, श्री दीपक जी, श्रीमती प्रियंका राजलक्ष्मी, सभी लोग चुनाव आयोग गए और मुख्य चुनाव अधिकारी जो बिहार के हैं उनके सामने भी उन्होंने अपना विरोध पत्र दर्ज किया था कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन जब उनके द्वारा भी कार्रवाई नहीं की गई और उसी की एक प्रति हम लोगों ने चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग को भी भेज दिया था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने 3-4 दिन इंतजार किया और उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लाचार होकर के हमें पटना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है और हमने याचिका दायर करी। क्या आपको शक है कि रोहिणी आचार्य के पास भी डबल नागरिकता है? इसी की जांच कराने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी नागरिकता को उन्होंने छिपाया है, उन्होंने अपनी नागरिकता या अपने घर के बारे में अपने पूरे नॉमिनेशन में कहीं जिक्र नहीं किया, सिर्फ उन्होंने 208 कौटिल्य नगर लिखा है, लेकिन 208 कौटिल्य नगर जो है वो किस तरीके से वहाँ एड्रेस उन्होंने दिया है इसका कोई जिक्र नहीं है उनके नामांकन पत्र में। देखिए ये सरकार का मामला है, जब चुनाव हो रहा है तो उस समय चुनाव आयोग सर्वशक्तिशाली होता है, वहाँ पर सरकार की बहुत सारी शक्तियाँ चुनाव आयोग में नहीं होती, जैसे कि आप बोलिए कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन उनकी चुनाव के समय में चुनाव आयोग की शक्तियाँ उनमें निहित हो जाती है, इसलिए ये काम चुनाव आयोग का था और चुनाव आयोग चाहता तो तुरंत इसकी जानकारी हासिल कर सकता था और इसीलिए हमने चुनाव आयोग से निवेदन किया। बिल्कुल है, उन्होंने एक तरफ उनका उन्होंने खुद अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जो शपथ पत्र दिया है उसमें अपनी आयकर विवरणी का जिक्र किया है, जिस आयकर विवरणी में वो दे रही हैं कि उनकी आय सालाना आय 4,000 रुपया है एक साल में, और उन्होंने अपना जो अभी दाखिल किया है उसमें लिखा है 25 लाख रुपया उनके पास कैश है, उनके बैंक खाते में है, और 25 करोड़ की संपत्ति उनकी है, अलग अलग फ्लैट है, बिल्डिंग है, अचल संपत्ति है। तो जो व्यक्ति अपने आयकर में 4,000 रुपया 2 लाख रुपया इनकम देता है, क्या उसके पास 25 करोड़ की संपत्ति आती है? उसका कोई ना कोई सोर्स होगा ना, तो इससे क्या साबित करता है? ये स्पष्ट है अपने तथ्यों से ही कि वो गलत है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने किया है, सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग को अगर हम नहीं जाते पहले, चुनाव आयोग पहले अगर रिट याचिका दायर करते तो हाईकोर्ट कहता कि साहब आपने चुनाव आयोग को अपनी दरखास्त दी है, इसीलिए हमने चुनाव आयोग के समक्ष न केवल स्क्रूटनी के समय में विरोध पत्र दिया था बल्कि उसके फौरन बाद हमने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के यहाँ भी अपनी दरखास्त दी और उसके बाद भारत के चुनाव आयोग को भी हमने दरखास्त दी। जब कहीं से इस पर सुनवाई नहीं हुई तब लाचार होकर के हमको रिट याचिका दायर करनी पड़ी है, इसलिए भ्रम की स्थिति का कहाँ सवाल है।
अगर उनके नामांकन में तथ्यों में गड़बड़ी थी, विरोधाभास था, झूठ था, तथ्य छिपाए गए थे, इस वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।